बड़े आदमियों से अपने काम मत कराओ, बड़े आदमियों को सूचना दो। मैंने परसों कहा सूचना दो मैं इस संकट में हूं, और ये भी कहो कौन सा संकट है? आपके नाम लेने से तो बड़े बड़े संकट टल गए, ये मत कहना मेरा भी टल जाए। ये कह रहा थी भक्ति, आप महान हैं। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा, गाढ़ बृहन निगट कोटि निकर्ष जंगा। फिर आगे, तो नाम मंत्र मनुषा सद्या भवंती, हाँ विगत बंद भया भवंती, सद्या विगत बंद भया भवंती। हे भगवान, आपकी महिमा ऐसी बड़ी बड़ी बेड़ियां डाल दी, बहुत बड़ी बड़ी। आपाद कंठ मरु संकल वेष्टित आंगा, यहाँ गले में, सीने पे, कमर में, पैरों पे, और वो बेड़ियां कैसी हैं जिससे चलने पर वे नुकीली है, जिससे पैरों की चलने से जंगाएं छिल गई हैं। ऐसी बेड़ियां भी जिस दिन आपका कोई नाम ले लेता है तो वे सद्या विगत बंद भया भवंती। अब ये मत कहना भगवान मेरी तोड़ दो, ये मत कहना। ये है भक्ति, आपके नाम में इतनी ताकत है कि ये बेड़ियां तो क्या काम है, ऐसी ऐसी बेड़ियां भी टूट जाती हैं। बस इतना ही कहना काफी है। इतना कहोगे तो ये आपने अपनी बेड़ी, बड़ी बड़ी बेड़ियां क्षण मात्र में कट जाती हैं। कोई कहे तुम अपनी बेड़ी कटवाना चाहते, नहीं नहीं, मैं तो भगवान के नाम की महिमा गा रहा हूं कि आपके नाम में ये है, बस यही चुप हो जाना। आगे राज जी भगवान अब मेरा नहीं, ये गलत हो गया। एक भक्ति ये है। दूसरा, यदि इतने में तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा हो, इतने में तुम्हारा मन कह रहा हो कि नहीं इतने मात्र से तो मेरी बेड़ियां नहीं टूटेंगी, पता नहीं भगवान ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो सूचना दे दो। सूचना देने का अर्थ है भगवान मैं इस संकट में हूं, मेरी ये परेशानी है, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है। बस ये मत कहो कि मेरा संकट दूर कर दो, सूचना दे दी ना, बस खत्म हो गया। आगे किसका काम है आप जानो प्रभु, मेरा काम तो आपको सूचना देना था, मैंने दे दी। पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत गजब की एक पंक्ति लिखी इसी बात को, भक्त को कितना काम करना चाहिए। नर्मदा के नरम कंकर में उन्होंने चार लाइनें हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। मैं नर्मदा का नरम कंकर, मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। मेरी कितनी औकात थी, मेरा कितना पुरुषार्थ था, मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे चरणों तक, बस इससे ज्यादा मेरी कोई ताकत नहीं। आगे देखो, मैं नर्मदा का निरंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़कर मूर्ति बना दो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि धूल में नहीं मिलाओ, हम मसल के धूल में मिलाओगे तो भी मेरे अवभाग्य हैं, धूल गिरेगी तो आपके चरणों में, और चाहो तो मेरी गढ़ के मूर्ति बना दो, ये निर्णय आपके हाथ में है, मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। अब देखना ये है सच्ची भक्ति, अब देखना गलत भक्ति हो रहा है। भगवान धूल में मत मिलाना, धूल में मत मिलाना, मेरा उद्धार करो, मेरी मूर्ति बनाओ, तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारी बात मान जाए। अब मैं भाषा बोल रहा हूं, तुम कौन होते हो भगवान को आदेश देने वाले, वो बड़े हैं, वे पूज्य हैं, तुम ये कैसे कह रहे हो कि मेरा मेरा उद्धार करो, मेरा मूर्ति बना दो, मेरे दुख दूर कर दो, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बड़ों से कोई भी कार्य करने का आदेश देने का तुम्हें अधिकार नहीं है, लेकिन सूचना देने का अधिकार है कि नहीं, अपनी सूचना दो और भगवान की महिमा को इस ढंग से आप व्यक्त करो, उसमें तुम्हारी महिमा, तुम्हारी व्यथा भी आ जाएगा।